दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि श्रेक स्कूल फाइनल मैच को जीत जाता है और सभी लोग वापस से श्रेक सिटी लौट जाते हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लोग श्रेक सिटी पहुंचते हैं, वहां पर काफी धूमधाम से उनका स्वागत किया जाता है और वहां पर पूरा जश्न का माहौल बना हुआ होता है। फिर जैसे ही श्रेक डेविल्स अपने शहर में इंटर करते हैं तो वहां के सभी लोग उनको देखकर काफी ज्यादा चीयर अप करने लग जाते हैं और उन लोगों का काफी अच्छे से स्वागत भी करते हैं। फिर जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं, तभी वो देखते हैं कि श्रेक स्कूल के सारे एल्डर उनके स्वागत के लिए वहां पर खड़े होते हैं और तभी एक बहुत बड़ा एल्डर आगे बढ़ता है और कहता है, आप लोग का स्वागत है फिर से श्रेक सिटी में। तो उनको देखकर काफी लोग उनका ग्रीट करने लगते हैं। फिर बैंग डॉग ग्रैंड एल्डर से कहती है, जब आपके पास इतना अच्छा रहने का जगह है तो आप बाहर क्यों रह रहे थे? तो ग्रैंड एल्डर कहता है कि मुझे बाहर नेचर के साथ रहना काफी पसंद है, इसलिए मैं ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ। फिर युहाओ ग्रैंड एल्डर से पूछता है कि आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो एबिलिटी है वो अपने स्टैंड हाइड करने की काफी ज्यादा कमाल की है, क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं चला था कि आप इतने ज्यादा पावरफुल हैं। और उनको काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा होता है कि एक बार फिर से श्रेक डेविल ने उनके चैंपियनशिप को जीतकर श्रेक एकेडमी का नाम फिर से रोशन कर दिया है, इसलिए वो लोग श्रेक डेविल्स को धन्यवाद करते हैं और उनकी बहुत सारी तारीफ करने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब तुमने हमारा नाम इतना रोशन कर ही दिया है तो इसलिए हम तुम सभी को तोहफा देना चाहते हैं और साथ में तुम लोगों को एक एक सेक्ट डेविल टाइटल भी मिलेगा। और ये सुनकर सारे सेक्ट डेविल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि जो दाई का ब्रदर होता है वो ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर हम बैंग डोंग और युहाओ को देखते हैं जो कि तानसेन की ओर देख रहा होता है। साथ ही साथ हम इन सब की परछाई तानसेन के टीम के रूप में देखते हैं और इसी बीच हम लिली को देखते हैं। लिली इन लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई देती है। फिर युहाओ उनसे पूछता है कि शाओत्याओ अब कैसी हो? तो इसमें ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। फिर युहाओ नानन और दाई के ब्रदर के बारे में पूछता है तो ग्रैंड एल्डर उसको बताते हैं कि कॉलेज के पास दाई के ब्रदर के लिए एक बहुत ही अच्छा योजना है। फिर हमें दाई के ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि अपने सक्सेसर को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि अब दाई साम्राज्य को वहीं संभालने वाला है। फिर हमें नानन को दिखाया जाता है जो कि वापस से अपने घर जा रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर बैंग डोंग युहाओ और जाओ जाओ को उनके साथ आने के लिए कहते हैं। फिर वो उनको लेकर पैरोसिंड पवेलियन में आ जाते हैं जो कि श्रेक डेविल्स और श्रेक के लोगों का काफी बड़ा स्थान माना जाता है और बस कुछ ही लोगों को उस पवेलियन में जाने की अनुमति मिलती है क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा ट्रेजर्स रखे गए थे। फिर ग्रैंड एल्डर उनसे बताते हैं कि पैरोसीड पवेलियन एक बहुत बड़े पेड़ से जुड़ा हुआ है और यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा प्योर है। तभी बैंग डोंग युहाओ और जाओ जाओ उस एनर्जी को काफी अच्छे से फील कर रहे होते हैं और वहाँ पर वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उन लोगों का और भी अच्छी अच्छी चीज दिख रही होती है। फिर थोड़ा दूर चलकर उन लोगों को एक बहुत बड़ा जंगल दिख रहा होता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। फिर तभी बैंग डोंग युहाओ और जाओ जाओ तीनों एक एक डोर के सामने खड़े हो जाते हैं और तीनों ही जैसे इस डोर को ओपन करते हैं वो लोग एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। और वो लोग जैसे ही उसके अंदर जाते हैं तो वो लोग एक बहुत ही अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर काफी अंधेरा होता है। फिर वो लोग बिना डरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ग्रैंड एल्डर युहाओ से पूछता है कि युहाओ बताओ कि स्पिरिचुअल पावर क्या होती है? तो युहाओ बताता है कि स्पिरिचुअल पावर ऐसी चीज है जो एक इंसान की मानसिक और फिजिकल एबिलिटी दोनों को काफी इंक्रीज करती है और अगर किसी व्यक्ति के पास स्पिरिचुअल पावर होती है तो वो एबिलिटी को काफी अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल पावर बस किसी व्यक्ति के मानसिक और फिजिकल बॉडी के लिए कामयाब नहीं होती बल्कि उसकी आसपास की चीजों जैसे कि पेड़ पौधों और जितने भी लिविंग चीज हैं उस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, उन सभी चीजों के लिए स्पिरिचुअल पावर एक दवाई की जैसे होती है जो कि उनकी इंजरी को हील कर सकती है। और स्पिरिचुअल पावर को एनालाइज करके हम उनके लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हम सोल किंग मास्टर या फिर सोल लेवल मास्टर बन सकते हैं। और जैसे जैसे हमें स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस करने की क्षमता बढ़ती है वैसे ही हम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और स्पिरिचुअल पावर जितना ज्यादा ही प्योर होगी वो इतनी ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है। फिर हमें युवाओं को दिखाया जाता है एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर नदी में से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज हो रही होती है और वहां पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करने लगता है। इस तरह से हमें बैंग डोंग और जाओ जाओ को दिखाया जाता है जो कहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर रहे होते हैं। उन लोगों को ऐसा करते करते काफी दिन भी बीत जाते हैं। फिर हमें युवाओं को दिखाया जाता है जो कि अभी तक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा होता है
और इसके पीछे नेक्रोमैक्स की स्पीड भी अपर हो जाती है और उसके सामने एक ट्रेजर को भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और युवाओ काफी मेहनत करने के बाद उस ट्रेजर को रिफाइन भी कर लिया था और इस ट्रेजर का नाम लॉन्च लाइफ होता है और इसकी पावर की वजह से वहां पर पूरे जगह पर हरियाली ही हरियाली हो जाती है। फिर हमें नेक्रोमैक्स को दिखाया जाता है, वो युवाओ से कहता है कि तुम इस ट्रेजर को अपने अंदर संभालो जिस वजह से तुम्हारी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फिर युवाओ भी वैसा ही करता है तो उसके सर पर उसे ट्रेजर का निशान बन जाता है और ये देखकर बिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इस वजह से नेक्रोमैक्स भी अपने असली रूप में आने वाला होता है क्योंकि अभी तक तो वो बस डार्क रूप में ही दिखता था। पर युवाओ अपनी आसपास की एनर्जी को जैसे ही कंडेंस करते हैं तो वो एक खतरनाक सा ब्लास्ट हो जाता है जिसे देखकर स्कॉर्पियन लेडी और तीन मिंग दोनों के दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और पिंक देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे प्लांट खिलना शुरू हो जाते हैं और ये देखकर दोनों को कुछ समझ नहीं आता। तभी नेक्रोमैक्स कहता है कि मिंग मैं अब तुम्हारे क्षेत्र यानी कि डोमेन में रहने के लिए बिल्कुल भी फाइट नहीं करूंगा क्योंकि अब मेरा भी डोमेन ओपन हो चुका है। फिर हम युवाओं के सोल आई को देखते हैं जो कि अब गोल्डन आई में कन्वर्ट हो जाती है और वो दिखने में काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। फिर अचानक से सोल सी में एक और डोमेन और डोर ओपन हो जाता है जो कि नेक्रोमैक्स का एक अलग ही डोमेन क्रिएट हो चुकी है युवाओं के सोल सी में और इस पार्ट का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाली है इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।